हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एमेजॉन के अंदर आईडी कार्ड को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास ये तीन आईडी कार्ड है, इनको मैं एमेजॉन के अंदर एडिट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एमेजॉन के अंदर आईडी कार्ड को एडिट कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, और मैंने पहले से इसके अंदर आईडी कार्ड को ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं इस आईडी कार्ड में एडिट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर फोटोग्राफ या नेम या बाकी डिटेल, जो आईडी नंबर जो भी इसके अंदर आप चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एमेजॉन के अंदर आईडी कार्ड को ओपन करना है। आपके पास जो भी आईडी कार्ड है इसको ओपन करना है। मेरे पास ये आईडी कार्ड, इसको मैं ओपन करूंगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, इसके बाद रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद आप पिक्चर को इधर उधर घुमा सकते हैं, साइज क्रॉप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इस आईडी कार्ड को क्रॉप करना है, तो इसके लिए फॉरवर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ क्रॉप एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना और क्रॉप करना है। तो आप अपने हिसाब से आईडी कार्ड को क्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप आईडी कार्ड को एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से क्रॉप करना है, आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है इस तरीके से। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसके अंदर फोटोग्राफ चेंज करना है, और यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है इसको भी चेंज करना है, एडिट करना है। आईडी नंबर एक्स डेट या बुलेट ग्रुप लिखा है, इसको भी हम एडिट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस आईडी कार्ड पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डुप्लीकेट जो है, जो इसका डुप्लीकेट निकला है, इसको हमें क्रॉप करना है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप, इस पर क्लिक कर उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप करना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप भी इसको क्रॉप करना है इस तरीके से, यहाँ तक जहाँ पे ब्लैक स्पेस आ रहा है यहाँ वहाँ तक हमें इसको क्रॉप करना है। इसके बाद साइड में क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं ये क्रॉप हो चुका है। इसके बाद इसको इस तरीके से ड्रैग करके, माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। हमें इसका नेम यहाँ पे एडिट करना है, चेंज करना है, तो इसके ऊपर लेके आना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर लेके आना है, एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। इसके बाद इसको साइज इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इसके बराबर में करना है। तो आप देख सकते नेम जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद ये करना है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो इसके ऊपर हमने ये ब्लैक स्पेस लाया, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ यहाँ फॉर्मेट पिक्चर बॉर्डर या हमें नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, इसका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेम जो है वो भी रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे नेम टाइप करना है, जहाँ पे नेम लिखा हुआ था वहाँ हमें नेम टाइप करना है, एडिट करना है। इसके लिए हमें फिर से यहाँ इन सब पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद बैक स्पेस पर क्लिक करना है, जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा कम करना है, इस तरीके से अपने हिसाब से इसको कम करना है, इस तरीके से कम करना है। इसके बाद माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, जहाँ पे हमें नेम टाइप करना है। इसके बाद हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें इसके अंदर नेम लिखना है, नेम लिखना है, और इसके बाद इसका नेम का साइज आप यहाँ पे टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। होम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए, इस पर क्लिक करके इसका साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ बी पे क्लिक करके बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद इसका साइज और बड़ा कर सकते हैं, होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे आपको शेप फिल नो फिल करना है, और इसके बाद शेप आउटलाइन नो आउटलाइन करना है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है वो रिमूव हो चुका है इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी कार्ड में नेम
एडिट कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर लिखा हुआ है, इसको भी आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पे और कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहोगे तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी नंबर जियो डी एक्स एक्स डेट लिखा हुआ है और ब्लड भी लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हमें फिर से आईडी कार्ड पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद साइड में लेके आना है और यहाँ फॉर्मेट यहाँ पे इसको क्रॉप करना है, क्रॉप करना है और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको फिर से क्रॉप करना है, जैसे पहले मैंने देखा इसी तरीके से फिर से वही प्रोसेस करना है और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। जहाँ पे भी आपको एडिटिंग करनी है, जहाँ पे भी आपको नेम चेंज करना है या कोई और कुछ भी, तो वहाँ पे इसको लेके आना है इस तरीके से यहाँ पे लेके आना है इस तरीके से। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और बॉर्डर हमें रिमूव करना है, इसके लिए इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है आप फॉर्मेट, इसके बाद पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे हमें नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे डिटेल्स टाइप करनी है, एडिटिंग करनी है, इसके हमें फिर से यहाँ ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे हमें नेम लिखा है इस पर क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद माउस ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद इसके अंदर जो नेम लिखा है इसको रिमूव करना है और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना है इस तरीके से। और यहाँ पे आप आईडी नंबर जो डेट वेट लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, जो ये ब्लैक स्पेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। इसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ले आ सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नेम, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, नेम लिखना है, जो आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, यहाँ टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं होम पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नो स्पेस सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका साइज बड़ा करना है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना है और बड़ा करना है, इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ये करना है। इसके बाद होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट को आप बढ़ा सकते हैं, इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और मोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं जो आपको करनी है। इसके बाद नीचे आप डेट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से इजीली एमएसवर्ड के अंदर मैंने आईडी कार्ड को एडिट किया है और नेम यहाँ पे आईडी नंबर ब्लड ईमेल आईडी। और इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमें यहाँ पे फोटोग्राफ चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करना है। मैंने डेस्कटॉप पे फोटो रखा हुआ है तो मैं वहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, तो जहाँ पे भी आपने रखा हुआ वहाँ से आप पिक्चर को ले सकते हैं, जो भी फोटो आप यहाँ पे चेंज करना चाहोगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, मैं डेस्कटॉप से पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं इंसर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे टेक्स्ट रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद पिक्चर को इधर घुमा सकते हैं, क्रॉप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर को क्रॉप भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसके बाद यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से। इसके बाद अगर पिक्चर के ऊपर आप बॉर्डर लगाना चाहोगे तो वो भी आप लगा सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे आप वेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। पिक्चर का कलर भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहोगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली एमएस वर्ड के अंदर आईडी कार्ड को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मेरे पास ये दूसरा आईडी कार्ड है, मैं इसको भी आपको एडिट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। नेम, आईडी कार्ड, यहाँ पे फोटोग्राफ, लोगो और यहाँ पे स्कूल नेम, जो भी इसको प्रिंसिपल सिग्नेचर, जो भी आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाहोगे तो मैं आपको इजीली दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आईडी कार्ड को ओपन करना है एमएसवर्ड के अंदर और यहाँ इस पर क्लिक करना है, आईडी कार्ड पर क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद आप पिक्चर को इधर उधर घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम, क्लास, रोल नंबर, सेशन डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर, इनको हमें सबसे पहले एडिट करना है, इनको हमें रिमूव करना है और यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फिर इस आईडी कार्ड पे क्लिक करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है और इसका डुप्लीकेट आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसको क्रॉप करना है, यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करना है, यहाँ क्रॉप, इस तरीके से आईडी कार्ड को क्रॉप करना है इस तरीके से, जहाँ पे ब्लैक स्पेस है वहाँ तक हमें इसको क्रॉप करना है इस तरीके से। इसके बाद साइड में क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद इसको माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे हमें नेम सब कुछ हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे लेके आना है और इसके बाद इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, थोड़ा बड़ा करना है इस तरीके से अपने हिसाब से इस तरीके से यहाँ तक। इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसको डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद इसका साइज़ इस तरीके से कम करना है इस तरीके से। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर जो लिखा है इस पर, इसके ऊपर लेके आना है इस तरीके से और इस तरीके से एडजस्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, इसको भी रिमूव करना है
इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे नेम सब कुछ रिमूव हो चुका है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे नेम शेम लिख सकते हैं वो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद इंसर्ट भी क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स भी क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, इस यहाँ पे बैक स्पेस करना है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इस माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद इसके अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और यहाँ होम यहाँ पे हमें नो स्पेस सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना है, जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना चाहोगे। इसके बाद इसके लिए मैं पहले यहाँ इस लिखन करूँ कंट्रोल डी और यहाँ पे साइड में लेके आऊँगा। तो मैं वीडियो को फॉरवर्ड करूँगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसके अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नेम क्लास रोल नंबर जो आपको टाइप करना है वो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा बड़ा करना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे भी इसको बढ़ाना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे हमें नेम क्लास रोल नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर से वीडियो को फॉरवर्ड करूँगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिटेल्स टाइप किया। तो इसके बाद इस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है और साइज थोड़ा बड़ा करना है। इसके लिए हमें सेलेक्ट ऑल करना है टेक्स्ट को, इसके बाद होम पे क्लिक करना है, यहाँ पे बी पे क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। इसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद होम पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये वाला टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1.15 तक हमें रखना है इस तरीके से। इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे हमें शेप फिल नो फिल करना है, यहाँ पे नो फिल सेलेक्ट करना है, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद इसका साइज थोड़ा यहाँ पे कम करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इजीली आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं और नेम चेंज जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फोटोग्राफ भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे फोटो रखा है, वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। इसके लिए हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है यहाँ पिक्चर्स, या आप खुद या डेस्कटॉप पे का भी फोटो को कॉपी कर सकते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया हुआ है तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और पिक्चर को क्रॉप करना है थोड़ा सा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से पिक्चर को यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेके आना है, इसके बाद इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है ना। तो आप देख सकते, इसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर स्टाइलस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इनको सेलेक्ट करना है। तो आपको इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मैं ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जैसे पहले था, तो इस तरीके से मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। इसके बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो इसके बाद इस पिक्चर का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, पिक्चर का बॉर्डर जो है इसको मैं थोड़ा कम करूँगा। इसके लिए पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर बॉर्डर यहाँ पे वेट्स, यहाँ पे वेट और यहाँ पे आप पिक्चर का बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से। इसके बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, साइज थोड़ा कम ज़्यादा करना है और एडजस्ट करना है इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इजीली मैंने यहाँ पे एपिसोड के अंदर पिक्चर भी यहाँ पे चेंज किया है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्कूल का नेम चेंज करना चाहोगे तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड का साइज़ यहाँ पे नीचे थोड़ा और बड़ा करूँगा, जूम करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्कूल का नेम चेंज करना चाहोगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें इसका जो डुप्लीकेट निकाला था यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है, तो इसको हमें क्रॉप करना है, इसको हमें क्रॉप करना है इस तरीके से क्रॉप करना है और थोड़ा क्रॉप करना है इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप करना है इस तरीके से। इसके बाद साइड में क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको क्रॉप करना है। इसके बाद माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, जहाँ पे हमें स्कूल का नेम रिमूव करना है, चेंज करना है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो बॉर्डर है वो हमें रिमूव करना है
जो हमने यहाँ पे क्रॉप किया है, इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ फॉरवर्ड या पिक्चर बॉर्डर यहाँ पे हमें नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इसके ऊपर लेकर इस तरीके से थोड़ा साइज बड़ा करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो स्कूल नेम है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे स्कूल नेम टाइप कर सकते हैं जो आपको टाइप करना है। तो इसके लिए अगर इसके लिए हमें यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेप्स, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रा करना है इस तरीके से। यहाँ पे ड्रा करना है और इस पर क्लिक करना है। यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे शेप फिल, यहाँ पे शेप फिल का कलर है हमें यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रखना है। और इसके बाद शेप आउटलाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर हमें स्कूल का नेम टाइप करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले होम पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको फॉन्ट एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये वाला टूल सेलेक्ट करना है ए, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक रखना है और यहाँ पे स्कूल का नेम टाइप करना है। इसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और होम पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना है इस तरीके से और इस तरीके से बोल्ड करना है। इस तरीके से अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे शेप फिल, यहाँ पे नो फिल करना है और शेप आउटलाइन, यहाँ पे नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करना है, इसका कलर चेंज करना है, होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक टूल मिलेगा ए वाला, ये इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से इजीली मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड को एडिट किया। इस तरीके से आप इजीली एमएस वर्ड के अंदर एडिट कर सकते हो। तो इसके बाद आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है, लेआउट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन एक ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्शन पेन, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल 16, पिक्चर 14, ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जो हमने फोटो यहाँ पे सेलेक्ट किया है या नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला नेम सेलेक्ट किया है, एडिट किया है, वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन सबको हमें सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ पे इन सबको एक एक करके सेलेक्ट करना है इस तरीके से। इन सबको सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये सिलेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद इस आईडी कार्ड पर हमें माउस से राइट क्लिक करना है। तो इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, इस पर माउस का कर्सर लेके आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप, इस पर क्लिक करना है। तो ये पूरे का पूरा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे इसको कट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद आप इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा कम करना है और तो इसके बाद इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अपने हिसाब से इसका साइज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक और आईडी कार्ड है, इसको भी मैं एमएस वर्ड के अंदर एडिट करूंगा। तो इसको मैं बैक करूंगा और वो आईडी कार्ड मैं एमएस वर्ड के अंदर ओपन करूंगा। ओपन करना है और इसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट इसके बाद क्रॉप करना है। आईडी कार्ड को इस तरीके से क्रॉप करना है, आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से क्रॉप करना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, फिर से फॉर्मेट या फिर रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको सेंटर में इस तरीके से लेके आना है और इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है इस तरीके से, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको भी एडिट करूंगा और यहाँ पे नेम, DOB, जेंडर, यहाँ QR कोड, और इसके अंदर QR कोड भी दिया हुआ है तो इसको भी मैं चेंज करूंगा। तो एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, तो इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको एडिट करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटोग्राफ और नेम चेंज करूँगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस आईडी कार्ड पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और इसको हमें क्रॉप करना है। इसके लिए फॉर्मेट पर क्लिक करना है या क्रॉप एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और पिक्चर को इस तरीके से क्रॉप करना है जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ। इस तरीके से आप इस पिक्चर को क्रॉप करना है इस तरीके से। इस तरीके से क्रॉप करना है। इसके बाद साइड में क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रॉप हो चुका है। इसके बाद माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, DOB के ऊपर यहाँ पे लेके आना है, जहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है वहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, उसके ऊपर लेके आना है जहाँ आपको एडिटिंग करनी है, DOB या डेट ऑफ इशू, जेंडर, फीमेल, इस तरीके से वहाँ पर लेके आना है।
सबसे पहले मैं डीओ भी चेंज करूँगा नीचे इस तरीके से। इसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करना है इस तरीके से, और डीओ बी के ऊपर लेके आना इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं डीओ बी जो है वो रिमूव हो चुका है इस तरीके से। तो इसके बाद हमें नीचे डेटा पीसेस को भी रिमूव करना है इस तरीके से। इस पर क्लिक करना और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। और इसके बाद इसको माउस से ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट करना है डेटा पीसेस, या जहाँ पे भी आपको एडिटिंग करनी है। मैं डेटा पीसेस यहाँ पे, इसको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। मैं नीचे डेटा पीसेस यहाँ पे रिमूव करूँगा, जहाँ पे भी आपको एडिटिंग करें वहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करना है। इसके बाद यहाँ जेंडर, इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा, यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और कीबोर्ड कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है इस तरीके से। तो आप देखिए फीमेल भी रिमूव हुआ। इसके बाद ये एमपी नंबर, इसको भी हमें रिमूव करना है, फिर से इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरीके से आप यहाँ पे नेम को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद माउस ड्रैग करके नेम के ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद कंट्रोल डी करना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको रिमूव करना है इस तरीके से। कंट्रोल डी, फिर से कंट्रोल डी इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं नेम भी रिमूव हो चुका है। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन, इसको भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है और इसको कंट्रोल डी करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेके आना है इस तरीके से, इसके ऊपर एडजस्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद फिर से कंट्रोल डी प्रेस करना है और यहाँ पे एडजस्ट करना है नीचे, इसी तरीके सेम प्रोसेस करना है रिमूव करने के लिए, सेम प्रोसेस करना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ नीचे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी आपको रिमूव करना है इजीली आप कर सकते हैं इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके। इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम टाइप करूँगा, इसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट डिबॉक्स एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सिंपल टेक्स्ट डिबॉक्स सेलेक्ट करना है। और इसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको बैक स्पेस करके रिमूव करना है और टेक्स्ट डिबॉक्स का साइज थोड़ा इस तरीके से छोटा करना है। इसके बाद इस टेक्स्ट डिबॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है जहाँ पे हमें नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नेम टाइप करना है, इस तरीके से। इसके बाद टेक्स्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बी पे क्लिक करना है और साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो फॉन्ट आप यहाँ पे चूज़ करोगे वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो फॉन्ट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ फॉर्मेट, इसके बाद यहाँ शेप फिल, हमें यहाँ पे नो फिल सेलेक्ट करना है। इसके बाद शेप आउटलाइन, यहाँ पे नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, इसका जो बॉर्डर है वो भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे नेम को एडजस्ट करना है और यहाँ पे नेम का साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करना है, होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप यहाँ पे रखना चाहोगे उतना आप रख सकते हैं। इसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों इसके बाद डी ओ बी यहाँ पे हमें टाइप करना है, डी ओ बी यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके लिए हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है इस पर यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करना है, इसका टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा कम करना है इस तरीके से। इसके बाद माउस ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद इसके अंदर हमें डी ओ बी लिखना है इस तरीके से। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, इसके बाद फॉर्मेट और यहाँ पे शेप फिल, यहाँ पे हमें नो फिल सेलेक्ट करना है। इसके बाद शेप आउटलाइन, यहाँ पे हमें नो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो आउटलाइन है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा कम करना है यहाँ पे अपने हिसाब से इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप डी ओ बी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद डी ओ बी का यहाँ पे फॉन्ट बढ़ा सकते हैं और साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए होम पे क्लिक करना है, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इसके बाद होम पे क्लिक करना है, इसके बाद बी यहाँ पे इस पे क्लिक करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हमें डेटा इशू लिखना है, इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है जिसमें हमने डी ओ बी लिखा है, इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है कीबोर्ड से। इसके बाद इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद माउस ड्रैग करके नीचे लेके आना है इस तरीके से। इसके बाद इसको कट करना है और यहाँ पे इशू डेट लिखना है इस तरीके से। इसके बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से।
इस तरीके से आपने हिसाब से आप एडजस्ट करना है। तो इसके बाद इस तरीके से सेम प्रेस करके यहाँ पे जेंडर या एमपी नंबर, एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सिग्नेचर भी। और इसके बाद अगर यहाँ पे फोटोग्राफ भी चेंज करना चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पे फोटोग्राफ भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डेस्कटॉप पे फोटो रखा है, तो मैं डेस्कटॉप से फोटो को कॉपी करूँगा या आप यहाँ पे इंसर्ट भी क्लिक करके यहाँ पिक्चर्स, और मैंने डेस्कटॉप पे फोटो रखा है, पिक्चर रखा है, वहीं से मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा। आपने जहाँ पे भी रखा है आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद मैं फोटो पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिक्चर आ चुका है। इसके बाद पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आप पिक्चर को इधर घुमा सकते हैं और साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद मैं इसको क्रॉप करूँगा और यहाँ फॉर्मेट इसके बाद क्रॉप पे क्लिक करूँगा और मैं इसको क्रॉप करूँगा इस तरीके से। अपने हिसाब से क्रॉप करना है इसको। इसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, इसीलिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है पिक्चर स्टाइल्स, और यहाँ पे आप इन पे क्लिक करके यहाँ पे मोर उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है बेवलेट ओवर ब्लैक, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे आपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके बाद पिक्चर का बॉर्डर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए पिक्चर भी क्लिक करना हो यहाँ फॉर्मेट, और यहाँ फॉर्मेट पिक्चर बॉर्डर, यहाँ वेट, यहाँ पे आप अपने हिसाब से पिक्चर का बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से। इसके बाद पिक्चर का, पिक्चर के बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ फॉर्मेट पिक्चर बॉर्डर, और यहाँ पे आप पिक्चर का बॉर्डर का कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप आईडी कार्ड को एमएस वर्ड के अंदर इजीली एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सिग्नेचर भी रिमूव करना चाहोगे तो रिमूव कर सकते हैं। जो ब्रश मैंने बताया वो ब्रश करके आप यहाँ पे सिग्नेचर भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे नेम लिखा हुआ है वेब मार्च, इसको भी आप रिमूव करना चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए इस पर क्लिक करना है, इस आईडी कार्ड पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद इसको हमें क्रॉप करना है, फॉर्मेट पर क्लिक करना है और यहाँ क्रॉप, यहाँ पे हमें इसको क्रॉप करना है जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ इस तरीके से आप ही करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे भी इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद साइड में क्लिक करना है तो ये क्रॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको लेके आना है इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो भी नेम लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके बाद माउस से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। इसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट वो रिमूव करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से नेम टाइप कर सकते हैं। इसका कलर, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ होम, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर इजीली आईडी कार्ड, किसी भी आईडी कार्ड को आप एडिट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों इसके बाद आप इसको कंप्यूटर के अंदर सेव भी रख सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करना है, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे इस आईडी कार्ड को घुमाएंगे थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं इस तरह की परेशानी आ रही है इसमें। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल जेड बैक करूँगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्शन पैन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर टेन टेक्स्ट बॉक्स जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आ चुका है। इसके लिए इन सबको हमें सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इन सबको एक एक करके सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और इन सबको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आईडी कार्ड के ऊपर सारा का सारा मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके लिए क्या, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें आईडी कार्ड पे माउस से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप पे लेके आना है, और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा आईडी कार्ड टेक्स्ट बॉक्स जो है तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको कट करना है, इस सारा का सारा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको घुमाएंगे तो आपको कोई परेशानी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसके बाद इसको आप इसके बाद इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसके बाद आप इसको फ्रंट भी निकाल सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर सेव भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे।